आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न है, यानी कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, तो बच्चे का वजन कैसे बढ़ाएं। जो मैं चीजें आज बताने वाली हूँ, इन सभी को आप फॉलो जरूर करें और अपने बच्चे के वजन में जरूर अंतर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए जरूरी होती है, वो होती है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि माँ का दूध। माँ के दूध में बच्चे को हर एक न्यूट्रिशन जो है मिल जाता है, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन शुरुआत में कुछ मदर्स जो है कुछ गलतियां कर जाती है, जिसे जो है ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, वो स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा सोते हैं। बच्चे को सोना जो है बहुत ज़रूरी है, अच्छी वेट गेन के लिए नींद भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको टाइम पे फीडिंग भी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे जो होते हैं, उसको आपको क्या करना है कि हर 2 से 3 घंटे के अंदर आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है। दिन है तो आप दिन में जो है 12 से 14 बार बेबी को ब्रेस्ट फीड कराइए, लेकिन अगर रात का टाइम है तो रात में अभी आपको जो है बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना ही कराना है। क्योंकि जो है कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है सोते रहते हैं तो फिर वो उठते नहीं है जल्दी, क्योंकि बच्चे जो है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो हमें क्या करना है कि बच्चे को जो है ना आपको उठाना होगा, ठीक है। तो आप बच्चे को हर 2 से 3 घंटे बाद उठाइए। अगर दिन का टाइम है तो आप बच्चे के हाथ में गुदगुदी करिए, बच्चे के पैर में गुदगुदी करिए, ठीक है। उसके बाद बच्चा जैसे उठ जाता है आप बच्चे को फीड करा दीजिए। लेकिन अगर रात का टाइम है तो रात में भी आप 2 से 4 घंटे आप इजीली सोने दे सकते हैं, लेकिन आपको पूरी रात में आपको 2 से 3 बार फीड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप बच्चे का वेट गेन करना चाहते हैं तो। एंड इसी के साथ साथ एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि अगर आप फीड करा रहे हैं तो आपको एक ब्रेस्ट से करीबन 15 मिनट तक दूध पिलाना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप दूसरे ब्रेस्ट से पिला सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो दूध होता है ना काफ़ी पतला आता है, वो दूध भी वेट गेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप फीड कराते रहते हैं तो लास्ट में जो है ना दूध थोड़े से थिक आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप अपने बेबी को पहले एक साइड अच्छे से फीड करा लेंगे, उसके बाद दोनों साइड आपको फीड कराना है, ठीक है। तो ये हो गया फीडिंग का वे, जिससे आपको अच्छे से फॉलो करना है। इसी के साथ साथ ये मैटर रखता है कि अगर आप फीड करा रहे तो आपकी आपको जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो मदर है, मदर को अपना डाइट का ध्यान रखना होगा, जो है अच्छे जो है न्यूट्रिशन लेने होंगे, जैसे कि दलिया हो गया, ड्राई फ्रूट हो गए, दूध हो गया, घी हो गया। अगर आप न्यू मॉम हैं तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। इससे क्या होता है कि आपके जो दूध होते हैं, दूध की जो है क्वालिटी होती है, वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है एंड वेट गेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। एंड इसी के साथ ये भी होता है गाइस कि जो मदर का दूध होता है वो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, तो माँ के दूध से बच्चे का इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको जो है बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है। अगर आपका बेबी 6 महीने से छोटा है तो आप उसको प्रॉपर फीडिंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको कभी भी बेबी को सोते हुए नहीं छोड़ना एंड उसको टाइमली फीडिंग कराना है। एंड इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें होती है आपको जो प्रॉपरली ध्यान में रखना है। एंड नंबर 2 जो है वो ये है कि आपको बच्चे को जो है बीमार नहीं होने देना है। इट मीन्स कि बच्चे जो होते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बच्चे जो छोटे होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी ज़्यादा लो होती है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। तो आपको क्या करना है कि आपको फीडिंग भी प्रॉपरली वे में देना है। एंड इसी के साथ साथ आपको इस चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि बच्चे के पास जो है ना साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर इसी के साथ साथ अगर घर में कोई आदमी बीमार है तो आपको बच्चे को जो है उनसे थोड़ा सा दूर रखना है, ताकि जो है बच्चा आपका बीमार ना हो। तो देखिए, अगर आपका बच्चा बीमार नहीं होगा एंड इसी के साथ साथ आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग टाइमली देंगे, तो इससे बच्चा जो है वेट गेन करता है। एंड अगर आपका जो है दूध अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आप इसके लिए अजवाइन भी ले सकते हैं, जीरा भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से जो है दूध अच्छा आता है। अगर फिर भी अगर आपने हर एक चीज़ ट्राई कर लिया है, मार्केट की भी चीज़ें ट्राई कर ली है, घर की भी चीज़ें ट्राई कर ली है, और जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं हर एक चीज़ आपने कर ली, लेकिन फिर भी आपका दूध अच्छे से नहीं हो रहा, तो आप जो है आप फॉर्मूला मिल्क पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मिल्क भी बेबी का वेट गेन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जो है भूखा नहीं रहना चाहिए। आपको ये कभी भी नहीं करना है कि अगर आपका बेबी जो है भूखा है तो ही, अगर आपका बेबी जो है भूखा है
और रो रहा है तब भी आप फीड कराएंगे, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आपको बस टाइम का ध्यान रखना है, हर 2 से 3 घंटे बाद आप बेबी को जो है फीड कराएं। एंड जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि स्टार्टिंग में जो है बच्चों को वैक्सीनेशन लगने होते हैं, जो टीकाकरण होते हैं वो भी टाइमली होने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो टीकाकरण होते हैं वो बच्चों को बहुत सी बीमारियों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं और बच्चे को जो है बच्चे की जो इम्यूनिटी पे जो है हार्म इफेक्ट नहीं पड़ता है, बच्चे जो है बीमार नहीं पड़ते हैं। तो आपको जो है टीकाकरण का भी ध्यान रखना है। एंड इसी के साथ साथ डॉक्टर्स जो है स्टार्टिंग बच्चे को विटामिन डी एंड कुछ मल्टी विटामिन के ड्रॉप भी देते हैं, जिससे आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अपने बेबी को दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपको जो है अपने बच्चे का मसाज देना है। अगर ठंड का टाइम है तो आप अपने बच्चे को जो है सरसों ऑयल से मसाज दे सकते हैं, एंड गर्मी का टाइम है तो आप अपने बच्चे को कोकोनट ऑयल से जो है मसाज दे सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हमें मसाज करनी कब से है, कितनी बार करनी है। तो देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप दिन में 2 बार मसाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, आप जो है अपने बेबी को दिन में 1 बार मसाज जरूर दीजिए, बट मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसी के साथ साथ मसाज जो है आप किस तेल से कर रहे हैं ये भी मैटर रखता है। जैसे कि अब जो है ठंड का टाइम आने वाला है तो आपको जो है इस टाइम पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करना है। मस्टर्ड ऑयल जो है बहुत चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो आपको जो है मस्टर्ड ऑयल का बेनिफिट पता चल जाएगा, एंड मस्टर्ड ऑयल से बेबी का वेट गेन किस तरीके से होता है, मस्टर्ड ऑयल से बेबी जो ठंड से प्रोटेक्ट कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में आपको डिटेल बता दूंगी। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने बच्चे को जो है डेली धूप दिखानी है, यानी कि जो सुबह की जो धूप होती है आपको जो है 15 मिनट अपने बच्चे को डेली धूप दिखानी है, 9 बजे से पहले वाली धूप दिखानी है आपको। आपको क्या करना है कि आप बच्चे को जो है डायरेक्टली फेस की तरफ नहीं रखना है, आपको बच्चे को जो है पीठ के बल रखना है एंड आपको जो है धूप दिखानी है। इससे क्या होगा कि इससे तो पहली बात कि बेबी को वेट गेन में हेल्प मिलेगी एंड बेबी को जो है विटामिन डी मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बेबी को बीमारियों से भी बचा के रखता है, ठीक है। एंड वेट गेन भी होता है, तो विटामिन डी आपको बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप ठंड जैसे आ रही, तो ठंड में आप डेली बेबी को जो है मॉर्निंग वाली धूप जरूर दीजिए, अगर आपका बेबी 0 to 6 months के अंडर है तो। नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि बच्चे की नींद, देखिए बच्चे की नींद भी पूरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को नींद अगर अच्छे से आ रहा ना तो भी बच्चे का वेट गेन काफ़ी अच्छे से हुआ। तो आपको क्या करना है कि आपको डेली बेसिस पे आपको बेबी को जो है मसाज देना है ना, बेबी को धूप में भी लेके बैठना है। एंड इसी के साथ साथ आप बेबी को जो है टाइमली शावर भी दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि बेबी जो है ना रिलैक्स फील करेंगे, बच्चे जो है ना प्रॉपर फीड भी लेते हैं इससे। और अगर आपका बच्चा जो रिलैक्स करता है, फीड भी लेता है टाइमली एंड रोता नहीं है, तो इस केस में क्या होता है कि बच्चे जो है ना काफ़ी अच्छे से वेट गेन करते हैं। अदरवाइज जो आप देखेंगे कि जो बच्चे ज़्यादा रोते रहते हैं ना, तो उन बच्चों का वेट गेन अच्छे से नहीं हो पाता। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आपके बच्चे की जो है एक्टिविटी किस तरीके से है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ आपका बेबी रिलैक्स है कि नहीं है, अगर आपका बेबी सो रहा है तो आपको जो है कुछ भी चीज़ लाउडली नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं हो कि बेबी सो रहा है और आपने कोई म्यूज़िक प्ले कर दिया जो कि लाउडली हो काफ़ी ज़्यादा, जिससे बेबी का नींद जो है डिस्टर्ब हो जाए एंड इसी के साथ बेबी जो है रोना स्टार्ट कर दे। तो आपको इन सारी चीज़ों को ओवरऑल ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि अगर आपने इन सब चीज़ों को फॉलो कर लिया ना, तो आपके बेबी का वेट गेन जो है डेफिनेटली होने वाला है। आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र हो जाइए। आप बस ये कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिसे जो है हम भूल जाते हैं फॉलो करना, या इग्नोर कर देते हैं, या अनदेखा कर देते हैं, जो हमें पता नहीं रहता कि हम जाने अनजाने कौन सी गलतियां कर जा रहे हैं बेबी के वेट गेन में। तो आपको इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है और इसके बाद आप अपने बेबी के वेट गेन में रिजल्ट देख सकते हैं। सो गाइज, बस आज के वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।